राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो देखिए, यहाँ मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए नमक फ्राई बनाने की रेसिपी। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ ना, मैं उसकी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो बहुत सरल, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना हमने बराबर बराबर ली है सूजी और मैदा। मैंने आधा के जी करीब सूजी ली है और आधा के जी के करीब मैंने इसमें मैदा डाली हुई है। और मैंने ना दोनों को जो आटे वाली चलनी होती है ना, उसमें छान लिया है, अच्छे से छान लिया है। उसके बाद में मैंने ना इसमें नमक वगैरह मिलाया था, नमक मिलाया है, अजवाइन डाली है। और इसमें एक जो आप जो ये कटोरी देख रहे हैं ना, जिसमें अजवाइन है, इसे भर करके मैंने एक कटोरी इसमें मैंने रिफाइंड डाला था। क्योंकि जब हम नमकठी या नमक फारे कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें हम घी ज़रूर डालते हैं, मतलब रिफाइंड ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने ना अजवाइन और ये मतलब मैदा, सूजी, अजवाइन, नमक मिला लिए हैं, अच्छे से छान ली थी। और मतलब सूजी और मैदा, और यहीं मैंने एक कटोरी भर करके देखी रिफाइंड डाल दिया है कटोरी का, पूरी का। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अब मैंने तो आधा आधा केजी दोनों चीज़ ली हैं। अगर आप इससे ज़्यादा, एक एक केजी की बनाते हैं, तो आप दो कटोरी, ढाई कटोरी डाल सकते हैं। पर मैंने ना आधा आधा केजी ली है, और इसमें है ना मैंने एक कटोरी, ये मेरी कटोरी बड़ी है थोड़ी, तो मैंने इसे पूरा भर करके डाला है रिफाइंड ऊपर तक। और पहले है ना, हम इसे हाथ से, हल्के हल्के हाथ से है ना इसे मैश करेंगे, और हमारा आटा ना इस तरीके से गूंद करके तैयार होता जाएगा। पहले जो हमारा रिफाइंड जो हमने डाला है ना, उसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। क्योंकि पानी डालेंगे ना, तो फिर पतला होने का वो रहेगा, कहीं पतला नहीं हो जाए। तो बाद में हम हल्का हल्का पानी डाल करके जो हमने पहले मतलब रिफाइंड डाला है, उसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में हल्के हल्के हाथ से हम पानी डालेंगे और आटे को हम गूंथते जाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से आटा बना करके तैयार रख दिया है। और करीबन ये आटा मैंने 8 से 10 घंटे के बीच में रखा था, क्योंकि ये आटा मैंने सुबह के 7 बजे करीब मैंने गूंदा था, और शाम को 5-5:30 के करीब मैंने इसकी मट्टियाँ बनाई थी। उसके बाद मैंने देखिए इसे 10 से 12 के बीच में मैंने इसे रख दिया था, यानी कि 8 घंटे 10 घंटे 12 जो भी आप रख सकते हैं। पर मैंने कम से कम 10 घंटे, क्योंकि 8-10 घंटे के बीच मैंने इसकी मट्टियाँ बनाई थी। तो जैसे हम आटे रोटियाँ बनाते हैं ना, उस तरीके से मैंने इसे रोटी बना ली थी एक बड़ी। और इस तरीके से मैंने चाकू से इसे मट्टियों की शेप देती गई थी, मैंने नमक फारे की शेप देती गई थी। और हम पूरी इसी तरीके से हम बना लेंगे। और ये आटा हम इसलिए रखते हैं 10-12 के घंटे के बीच में, हम इसलिए रखते हैं कि जो भी हम आटा गूंथते हैं, उसमें हम जो रिफाइंड डालते हैं ना, तो उससे क्या है ना, सूजी और मैदा दोनों ना अच्छे से कवर हो जाती है, यानी कि हमारे अच्छे से फूल जाती हैं। तो हमारी मट्ठी जो है ना, और भी सॉफ्ट बनती है। और मेरी मट्ठी है ना बहुत सॉफ्ट बनी थी, नमक वाले बहुत सॉफ्ट बने थे। तो इसी वजह से हम 8 से 12-10 घंटे के बीच में हमें आटा गूंद करके हमें ये रखना पड़ता है। क्योंकि हम ना इसे हाथ के हाथ गूंद करके नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी जो हमारी जो नमक फारे होंगे ना, जहाँ मट्ठी बनाए, नमक फारे कुछ भी बनाए, तो वो चीज़ हमारी वो वाली नहीं आएंगी। मार्केट जैसा हमारा ना तो टेस्ट आएगा, और ना ही ये हमारी बनेंगी। तो इस वजह से अब देखिए, जो मेरी मट्ठी बनेगी ना, मतलब जो मैं नमक फारे बना रही हूँ ना, आप वो देखना, और मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी, तो आप देखना कितने अच्छे से बने। तो देखिए, यहाँ ना मैं छोटे छोटे पीस इस तरीके से, जैसे मट्टी का सेप होता है ना, उसी तरीके से देखिए इसकी कटिंग करती जा रही हूँ पूरी रोटी की। और पूरी मट्टी मैं इसी तरीके से बना लूँगी, अच्छे से हमारी मट्टी बन करके तैयार हो जाएंगी। और बहुत इजी तरीका है इस तरीके से मट्टी बनाने का, और बहुत जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। और ये भी नहीं है कि हम मतलब मट्टी बना रहे हैं तो इसे इसी बार एक ही चीज़ में हम लगे ना, नहीं, अगर आपके पास और भी टाइम है, मतलब और भी काम है, आप वो भी कर सकते हैं इसके साथ में। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही बनाने में लगी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, मेरी जो पूरी रोटी सी थी ना, वो मैंने है ना अच्छे से काट दी थी, मतलब नमक फारी की सेप दे दिए। और देखिए, मेरा घी हो गया है, रिफाइंड डाला था मैंने इसमें एक पैकेट, और रिफाइंड हो गया है। और देखिए, मैं ना इसमें अच्छे से पूरी रोटी जो मैंने बेली थी, उसकी जो पूरी की मैंने जो नमक फारी काटे हैं ना, पीस करे हैं, वो मैं सभी इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। और ये मैंने भारी वाली कढ़ाई लोहे की ली थी, सॉरी सिल्वर की ली थी, पर ये लोहे जैसा कलर हो गया है इसका। और देखिए, गैस को मैंने ना तो ज़्यादा कम रखा है, ना ज़्यादा मैंने हाई रखा है, इसका बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से ना हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी। तो देखिए, हमारी ये मट्ठी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, देखिए बहुत टेस्टी भी बनी है ये मट्ठी। और देखिए, इसी तरीके से मैं सारी मट्ठियाँ अपनी बना लूँगी। और देखिए, बीच बीच में मैं ना चलाती रहती हूँ ना इस तरीके से, और ये ब्राउन हो जाएंगी ना। उसके बाद में ना देखिए, ये हमारी सभी मट्ठियाँ बन करके तैयार हो गई हैं।
ये देखिए कितनी मतलब इतनी सॉफ्ट, अंदर से आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट बनी है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है।